शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय आगरा मिक्फिर ग्रुप दे रहा है हाईटेक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। डॉलिश पब्लिक इंटर कॉलेज बल्केश्वर कॉलोनी आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांसमुना कॉलोनी आगरा, किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल कालिंदी विहार आगरा, AVMD ग्राम समाई अहमदपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, शानदार साइंस लैब, लाइब्रेरी, खेल कूद के साथ मानसिक शिक्षा CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की सुविधा की जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक्फिर ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों के भविष्य को संभालने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित बस सुविधा उपलब्ध की जाती है। प्रवेश प्रारंभ, अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए संपर्क करें 9897189067, 9412395795। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कमर कस ली है। इसी उद्देश्य से आगरा RBS कॉलेज में भाजपा व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। व्यापारी सम्मेलन के मुख्य अतिथि डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का भाजपा नेता और व्यापारियों ने जोरदार स्वागत सम्मान किया। व्यापारी सम्मेलन में शामिल भारी संख्या में मौजूद व्यापारियों को देखकर उस साइड डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा लोकसभा चुनाव 2014 का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी और भारत की जनता PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। विपक्षी पार्टियां भले ही एक साथ हो जाएं, लेकिन देश की जनता भाजपा मोदी सरकार के साथ खड़ी है। 2014 का आंकड़ा पार करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमारे 73 सांसद जीते थे। 2024 में उत्तर प्रदेश से 80 जीते और माननीय नरेंद्र मोदी जी 2019 से भी बड़े बहुमत की सरकार देश में बनावे और देश को विश्व गुरु बनावे, इस संकल्प के साथ देश भी खड़ा है, पार्टी भी खड़ी है। और 9 वर्ष पूरे होने पर आज हुए व्यापारी सम्मेलन में यह जो सैलाब उमड़ा है, इस बात का संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, रीतियाँ हैं, जो सरकार के काम हैं, डबल इंजन सरकार के देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, यह सरकार अच्छा काम कर रही, इसलिए हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है। अभी नगर निगम के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी 17 की 17 सीटें नगर निगम की जीती है। मुझे पूरा विश्वास है जैसे नगर निगम के चुनाव में जनता का भरपूर समर्थन मिला है, वैसे लोकसभा के चुनाव में भरपूर समर्थन मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त। मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसको अगर गलत ना प्रेजेंट करिएगा, वो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का कैसे समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़ाव हो जाए और लोगों को परेशान किया जाए, उस प्रकार की अगर उनके सपा का कैडर माने गुंडों का कैडर, अपराधियों का कैडर, माफियाओं का कैडर, उससे जो भाजपा विरोधी हैं वो सब एक साथ मिल जाएं, लेकिन जनता उनके साथ मिलने वाली नहीं है। जनता ने तय करके रखा है, हमारे नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी को ही फिर बनाएंगे, कमल खिलाएंगे, साइकिल पंचर करेंगे, सपा को साफ करेंगे, बसपा को साफ करेंगे, कांग्रेस को साफ करेंगे और भाजपा को पूरी तरह से कमल खिला करके फिर से। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है, उसके सरदार श्री अखिलेश यादव जी हैं। अगर एक उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में नेता विरोधी दल के रूप में इस प्रकार का बयान मैंने सुना नहीं, आप बता रहे हो, उसके जवाब में दे रहा हूँ। उनकी मानसिकता ही यही है कि वो कैसे गुंडागर्दी बढ़े, लेकिन हम गुंडागर्दी नहीं बढ़ने देंगे। जो गुंडाई करेगा, अपराध करेगा, जमीन मकान दुकान कब्जा करेगा, जो दंगा करेगा, उसकी जगह जेल में है, राजनीति करने भी राहुल गांधी साहब, उनका मानसिक संतुलन नहीं ठीक है, उनको आगरा में कोई अस्पताल है वहाँ एडमिट करा दे। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को आतंकवाद का सरगना कहकर खारिज कर दिया। विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा, बसपा, आप और कांग्रेस आदि का सपाया हो जाएगा। 7 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।